हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और हम सब भी ठीक हैं। एंड आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं। सुबह 6 o'clock हो रहा है और मैं सुबह उठते ही झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि घर काफ़ी मतलब गंदा हो गया था और सुबह बासी झाड़ू निकालते हैं, तो इसीलिए मैं निकाल रही हूँ। मुझे टाइम होता है तो मैं निकालती हूँ। और आज डेट है 27 है, हाँ, लेकिन मैं बहुत लेट एडिटिंग कर रही हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था। बना हुआ तो ये 27 का है, लेकिन मतलब टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था कि मैं एडिट करके और अपलोड कर दूँ, क्योंकि पूरी पूरी रात गरबे होते हैं हमारे यहाँ और वहाँ सब खेलते हैं, रहते भी हैं, और दिन में होते हैं घर के काम। तो घर के काम भी करना ज़रूरी है, बच्चों के स्कूल चल रहे थे और आज मुझे टाइम मिला तो मैंने कहा आज मैं एडिटिंग करके इसको अपलोड करती हूँ। और मैं 2-3 दिन के मतलब गरबों का लुक और वो सब आपको दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने बोला था कि आप सबको मैं गरबों की मतलब व्लॉग्स डालूंगी, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा था बिल्कुल भी, सॉरी। तो अब मैं डाल रही हूँ और यहाँ पे मैं अब देवांश के लंच की तैयारी कर रही थी। हाँ, वो स्कूल जा रहा था और लंच के लिए मैं बना रही थी उसके लिए प्याज के पराठे, क्योंकि अभी है ना मतलब सुबह उठ के सब्जी भी मतलब काटने में इतना वो हो रहा है कि नींद पूरी नहीं हो रही है, तो हालत ख़राब हो रही है। रात को आते हैं, चेंज वेंज करो, और तो फिर थकान भी बहुत ज़्यादा हो रही है। काफ़ी मतलब बहुत देर गरबे खेलते हैं तो मुझे बहुत थकान भी हो रही है, और सबको ही हो रही है, ऐसा नहीं मुझे ही हो रही है, बच्चे भी बहुत परेशान हो रहे हैं कि सुबह सुबह एकदम 6 बजे उठ के स्कूल जाना होता है। तो मतलब उनको भी नींद पूरी होना ज़रूरी है हर किसी की। तो और वैसे मैं दिन में सुला रही हूँ, बिल्कुल प्रॉपर सुलाती हूँ, मैं खुद भी 2 घंटे के लिए सोती ही हूँ दिन में, लेकिन फिर भी जो नाइट में नींद होती है ना वो दिन में नहीं पूरी हो पाती है। तो यहाँ मेरे पराठे बन गए थे, फिर मैं इसके लिए पराठे लगा रही थी, मैं टिफ़िन पैक कर रही थी, सॉस दे दूँगी, अचार दे दूँगी तो वो ले जाएगा। वैसे मैं अचार से कभी भी उसको पराठे मतलब ये खाना नहीं देती हूँ, लेकिन आज थोड़ी सी मजबूरी हो गई थी कि सब्जी नहीं बनाई थी, इसलिए इसके लिए लंच पैक कर रही थी मैं। और ये मतलब आज तो इसने इतनी परेशान कर दिया था कि इसका आँख ही नहीं खुल रही थी। नाइट में तो इनको मज़े आते हैं गरबा खेलने में, वहाँ मस्ती करने में, और लेकिन सुबह सुबह इसने बहुत परेशान किया था। मतलब उठ गया था, नहा लिया था, फिर भी मैंने कहा बस में सो जाना, लेकिन नहीं, जाना ही नहीं चाह रहा था कि नहीं स्कूल नहीं जाना। मैंने 2-3 दिन चला जा, फिर उसके बाद इसकी क्या वैकेशन पड़ गई है, पढ़ने वाली है, तो फिर मैंने बोला अब 1-2 दिन की बात है बच्चा चला जा, कि होमवर्क काफ़ी पेंडिंग हो जाता है इसका, जो भी क्लास वर्क होमवर्क वगैरह जो मिलता है वो बहुत पेंडिंग हो जाता है, फिर बाद में कराना मुश्किल हो जाता है। बच्चों को वैसे भी डेली स्कूल जाना चाहिए, स्कूल में जाने के बाद कुछ ना कुछ तो सीखते ही हैं बच्चे। और यहाँ पे ये नाश्ता कर रहा था और मैं इसके मतलब बैग लेके आई थी और टिफ़िन पैक कर रही थी इसमें, और फिर इनके बैग को भी चेक करना पड़ता है कि क्या मतलब रखा है कि नहीं। नाइट में नहीं बिल्कुल भी याद रहा था और टाइम भी नहीं मिला था कि मैं इसके बैग को चेक करके रख सकूँ, क्योंकि गरबा खेलने चले गए थे, फिर उसके बाद आए तो लेट हो जाता है, और फिर इतना ध्यान नहीं रहा था कि मैं इसके मतलब चेक कर लूँ इसके बैग को और ये सब लगा लूँ, इसीलिए अभी मैं चेक कर रही थी। और देखो यहाँ पे ये सो रहा था आज तो इसने मतलब बस तक जाते जाते ऐसे गया है, मतलब मुश्किल से गया था कि मुझे तो नींद आ रही है, मेरी आँखों में दर्द हो रहा है। और ये मैंने कहा मैं तू आएगा ना, आते ही तुझे खाना खिला के तुरंत सुला दूंगी, लेकिन फिर सोने का मन नहीं करता इनका दोपहर में, फिर इनको देखनी होती है टीवी। और अब हम क्या करें, हमारा भी तो पूरा दिन ऐसे ही जा रहा है ना, पर नाइट में गरबे होते हैं और दिन में घर के काम भी होते हैं, घर की जिम्मेदारियाँ भी होती हैं, तो वो घर के काम भी करना ज़रूरी भी हो गया है कि घर के काम तो करोगे ना डेली बेसिस वाले, भले साफ़ सफाई नहीं करो, इसीलिए मैंने है ना अपनी जो दिवाली की सफाई है वो थोड़ी सी डिले कर दी है। मैं सोच रही थी कि नवरात्रों में कर लूँगी, लेकिन नहीं टाइम मिल पा रहा है, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा, और दिन में सोना भी ज़रूरी हो रहा है, क्योंकि बच्चे फिर मैं नहीं सोऊंगी तो बच्चे भी नहीं सोते हैं। तो ये है कि मैं उनको लेके अपना बेडरूम में सो जाती हूँ, और अभी आगे की वीडियो में है ना मैं 2-3 दिन का आपको लुक दिखाऊँगी मतलब गरबे का, क्योंकि मैंने वीडियो तो शूट कर ली थी लेकिन एडिटिंग नहीं हो पाई थी, तो मैंने कहा एक साथ ही एक ही वीडियो मैं कर देती हूँ। और मैं यहाँ पर उस दिन बस इतनी वीडियो शूट की थी, फिर दिन में तो वही घर के काम ही किए थे कि वही झाड़ू पोछा सफाई डस्टिंग वगैरह वो सब, और फिर लंच बनाया था, देवांश आ गया था, फिर सो गई थी, शाम को उठी थी तो फिर मार्केट गई थी, मार्केट की भी काम हो जाते हैं,
तो मार्केट गई थी और शाम को देखो ये लाइटिंग हो रही थी पूरी सोसाइटी में, इतनी अच्छी लग रही थी, बहुत अच्छा। मतलब नीचे जाके काफ़ी अच्छा लगता है अब कि हाँ लाइटिंग है और मतलब बच्चे खेलते रहते हैं, एक रौनक जैसी हो गई है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। जब तक घर में 9 दिन तक होंगे तब तक बहुत मस्त अच्छा लगेगा। तो ये हम यहाँ तैयार हो गए थे, शायद रात रात के 10 बज रहे थे, और यहाँ मैं आप वीडियो बना रही थी थोड़ी सी, तो देखो शिवांश आ गया है और ये भी करता है हाय, ये है मेरा लुक। और आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी इसलिए मैंने एडिटिंग की है, क्योंकि फ़ैन चल रहा था और मुझे ध्यान नहीं रहा था कि फ़ैन ऑफ कर भी दूँ। और यहाँ हम गर्मी एंड ये नेक्स्ट डे का लुक है। और इस दिन मैंने साड़ी पहनी थी, मैंने कहा आप साड़ी स्टार्ट करते हैं 2 दिन फिर साड़ी फिर लहंगे, इस टाइप से मतलब चलता है, पहले 2 दिन सूट। और देखो ये फिर भी ऐसे ही हाय कर रहा है कि मम्मा वीडियो बना रही है और हम जा रहे हैं शादी में, ये बोलता है हम शादी में जा रहे हैं। उस दिन भी मैंने साड़ी ही पहनी थी लेकिन वीडियो शूट करना भूल गई थी, बिल्कुल माइंड से निकल गया था। तैयार होने में इतना लेट हो जाता है कि जल्दी जल्दी जाने का करता है कि अरे 11 बज गए जल्दी चलो, उस दिन तो 11 बज गए थे मुझे जाने में, तो बस ये पिक्स क्लिक किए थे तो मुझे लगा अटैच कर देती हूँ। और यहाँ ये हो रहा है गर्मी हमारे, ये हमें लगा।
यहाँ पे मैं और है ना देवांश, हम डांडिया खेल रही थी। मैं इसको सिखा रही थी कि बेटा ऐसे डांडिया खेलते हैं। वैसे उसको आता है लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा सीख रहा है, छोटा है ना, तो अभी परफेक्ट हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर एकदम परफेक्ट हो जाएगा। और ये मैंने वीडियो बनवाई थी तो स्टैंडिंग में वीडियो बना दी थी, तो मुझे लगा मैं भी इसको भी अटैच कर देती हूँ। और ये यहाँ शिवांश है और ये मुझे बिल्कुल भी गर्भे नहीं करने देता, थोड़ा सा परेशान करता है करता है कि ये कर दो, मतलब मेरे साथ बैठ जाओ, मुझे मोबाइल दे दो, ये सब चीज़ें। तो बस आज के ब्लॉग को मैं यहीं फिनिश कर रही हूँ, आपको मिलती हूँ नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, राधे राधे। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको हमारे गर्भे कैसे लग रहे हैं यहाँ पे जो हो रहे हैं, तो वो, लेकिन हमें तो बहुत